आपको मैंने जो है इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था, आप लोग ने उसको देखा और पढ़ा भी ना? अब आइए हम आपको ले चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मुख्य रूप से कुछ पार्ट होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, जैसे अंडाशय, इंग्लिश में कहते हैं इसे ओवरी। नंबर दो, गर्भाशय, इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस। नंबर तीन, अंडवाहिनी, इंग्लिश में कहते हैं इसे ओविडक्ट। और नंबर चार में आता है स्तन, इंग्लिश में कहते हैं इसे मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, ये चार पार्ट जो है मुख्य रूप से आपके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं, लेकिन इनमें से भी मुख्य रूप से जो है अंडाशय आपका जो है ये मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अंडाशय के बारे में सुनिए, अंडाशय जो है आपके फीमेल बॉडी में जो है उदर गुहा में स्थित होता है। उसका कारण ये होता है कि अंडाशय में अंडाणु बॉडी टेम्परेचर पर ही बन जाते हैं। किस पर? बॉडी टेम्परेचर पर, शरीर ताप पर ही बन जाते हैं। इसलिए अंडाशय जो है क्या होता है, आपके उदर गुहा में या शरीर के अंदर कह लीजिए स्थित होता है। जबकि इसके पहले हमने आपको बताया था कि स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी टेम्परेचर पर नहीं होता है, बल्कि शरीर ताप से कुछ तक कम ताप पर होता है। इसलिए जो है टेस्टिस जो है टेस्टिस सैक में स्थित होता है, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि अंडाशय में जो है अंडाणुओं का निर्माण बॉडी टेम्परेचर पर ही हो जाता है। इसलिए हमारे ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडाशय दोनों जो है उदर गुहा में स्थित होते हैं, और इसीलिए जो है ये जो है शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। और इसकी भी संरचना जो है अंडाकार होती है, इसकी भी संरचना जो है क्या होती है, अंडाकार होती है। और ये जो है शरीर के अंदर स्थित होता है, और इसमें जो है तीन लेयर पाई जाती है। अंडाशय के ऊपर तीन लेयर पाई जाती है। पहले लेयर का नाम है जो है क्या, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और दूसरा है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और तीसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये अंडाशय के ऊपर तीन लेयर होती है। पहला नाम है पेरिटोनियम, दूसरा है जर्मिनल एपिथेलियम, तीसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब जो है अंडाशय की संरचना के बारे में जो है आपको बताएंगे। अंडाशय के ऊपर जो है तीन लेयर होती है, हमने आपको नाम बता दिया है। और इस ना तीनों नाम आप लोग याद करके रखिए, ये क्रम वाइज होता है, पेरिटोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ना। और ये इस अंडाशय में जो है, इस अंडाशय में जो है अंडाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसकी प्रक्रिया के द्वारा? अंडाणु जनन, या इंग्लिश में कहते हैं ऊजिनेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु बनने के बाद जो है क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। हमने आपको जो है इसके पहले भी बताया था कि अंडाणुओं का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, ओविडक्ट में होता है ना। अब जैसे हम आपको एक फिगर दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, हमने आपको बताया ये जो है, हमने जो भी संरचना बनाई हुई है, ये जो है ये ओवरी है दोनों, और इसके ऊपर जो है ये ओविडक्ट लगा हुआ है, और ये जो है यूट्रस है, गर्भाशय है ना। तो और ये जो है ये संरचना जो होती है नीचे वजाइना की होती है, और इसमें जैसे ही जो है क्या होता है, पेनिस प्रवेश करता है ना, आफ्टर कॉपुलेशन, आफ्टर कॉपुलेशन मतलब मैथुन की क्रिया के बाद जो है स्पर्म जो है रिलीज होते हैं। स्पर्म रिलीज होने के बाद जो है कहाँ जाते हैं? ये ओविडक्ट में जाते हैं, और ओविडक्ट में ही जो है ये अंडाशय से निकल कर, जैसे ही अंडाशय डिस्चार्ज होता है, फटता है, वैसे अंडाणु निकल करके जो है ओविडक्ट में आते हैं। यहाँ पर जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है? कई बार जो है कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है कि जो है स्पर्म और ओबम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको उत्तर देना है ओविडक्ट, या दूसरे शब्दों में इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने के बाद जो है क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट फिर जो है कन्वर्ट होता है मारुला में, मारुला कन्वर्ट होता है ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला कन्वर्ट होता है कहाँ पर? ब्लास्टुला जो है आर्केंट्रान में जो है बदल जाता है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे डेवलप करके जो है एक नए शिशु का निर्माण हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जो जायगोट बनता है, वह जायगोट कहाँ ट्रांसप्लांट होता है, यह ध्यान देना है आपको, जो है यहाँ पर यूट्रस में, गर्भाशय में जो है ट्रांसप्लांट हो जाता है। ट्रांसप्लांट होने के बाद गर्भाशय में ही जो है इसका पूरा डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पर देखिए आप लोग जो है, ये देखिए फिम्ब्रिएटेड ट्यूब लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है देखिए, देखिए फिम्ब्रिएटेड ट्यूब लगी हुई है, और इसका मुख जो है क्या होता है? झालरदार होता है, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? झालरदार ट्यूब भी कहते हैं, फिम्ब्रिएटेड ट्यूब भी कहते हैं। और जैसे ही अंडाणु यहाँ से डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद आता है, इसी में फंस जाता है, फंसने के बाद जो है गर्भाशय में यहाँ ओविडक्ट में जो है संकुचन की क्रिया होती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये खींच करके चला जाता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। और आपको इसके पहले जो है यहाँ पे सारी बातें बता दिया गया। ऊपर देखिए ये जो है मॉन्स प्यूबिस है, ये गद्दीदार होता है, इसको जो है ऊपर से टच करने पर भी जो है आपको पता चलता है कि ये जो है ये मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। इसके ऊपर जो है ये प्यूबिक हेयर भी लगा होता है, और ये जो है काफ़ी कड़ा भी होता है। तो इस तरह से जो है आपका निषेचन की क्रिया हमने बताया आपको, और निषेचन की क्रिया कैसे होती है, कहाँ होती है। अच्छा, इसके पहले भी एक चीज़ और आप लोग जानिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कैसे कब डेवलप होते हैं ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से जो है एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसे कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। क्या कहते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है, और मुख्य रूप से जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। जब जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है लड़कियों में 13 साल के बाद जो है रिलीज होता है, तभी जो है क्या कहते हैं कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आती है, उनके अंदर कई
विकास भी होते हैं, जैसे उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है और उनके जो है बुटक भी जो है तो क्या हैवी हो जाते हैं, उनकी आवाज़ जो है क्या हो जाती है पतली हो जाती है। इस तरह से जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के स्रावित होने से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये जो है डेवलप होता है लड़कियों में, और इसीलिए जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को जो है नारी विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी विकास हार्मोन्स कहा जाता है, और इसी के विकास से जो है ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ठीक, धन्यवाद, आज यहीं तक, उसके बाद जो है कल आगे पढ़ाएंगे।